बाद हमारी कानूनी जंग न्यूज की टीम पहुंच चुकी है सारण जिले के प्रखंड रामनौर की धरारा पंचायत मुख्य जी के पास। आइए जानते हैं कि इनकी पंचायत में मुख्य समस्याएं कौन कौन सी और विकास के कार्य को विशेष रूप से कौन कौन सा हो चुका है, इसी पे चर्चा परिचर्चा करने वाले हैं। देखते रहिए कानूनी जंग न्यूज। सबसे पहले इस चैनल में आपका स्वागत है सर, अपना परिचय दीजिए। मेरा परिचय पूर्व मुखिया त्रिकुमार सिंह। सर इस वक्त सक्रिय कब से हैं? सक्रिय हम 2006 से 2021 से 2001 में वार्ड सदस्य थे, 2016 तक मैं मुखिया थे, बीच में एक मुखिया आ गया। कितनी मतों सबकी विजय प्राप्त हुई? 500 मतों से। कितनी मतदाओं की संख्या है? 975 से 76 से। आपके पंचायत में वार्डो की कुल कितनी संख्या है? 14 वार्ड। सभी वार्डो में नल जल की क्या व्यवस्था है? नल जल की व्यवस्था है कि 11 का नहीं चल रहा है, उसके बाद 3 का नहीं चल रहा है, 6 का स्थिति खराब है, उसके बाद 9 में अभी तक काम नहीं हुआ है, 10 का भी स्थिति जर्जर है, यही था, उसके बाद 13 में नहीं चल रहा है, नल जल का समस्या बहुत खराब है। इस पंचायत में विशेष रूप से विकास के कार्य कौन कौन सा हो चुका है? अभी तक विकास जैसे 3 को कुआं बनवाए हैं, एक विकास भवन बनवाए, उसके बाद 2 जान साफ कराए हैं, 2 रोड बनवाए हैं मनरेगा से, उसके बाद एक नाला बनाया है 600। अभी कौन सा कार्य चल रहा है? अभी नाले का कार्य चल रहा है। इस पंचायत से मुख्य समस्याएं कौन कौन सी हैं? मुख्य समस्या है कि पंचायत के विकास करने में समय से पैसा नहीं निकल रहा है, लोअर सिस्टम है, काम कराने के बावजूद भी जल्दी रुका नहीं रहा, इसलिए बहुत कठिनाई हो रही है। शौचालय की क्या व्यवस्था है? शौचालय की स्थिति 70% ठीक है, 20% तो चल ही रहे हैं। आंगनबाड़ी केंद्र कितनी है? आंगनबाड़ी केंद्र लगभग 6-7 है। आंगनबाड़ी केंद्र से चल रही है? आंगनबाड़ी तो जगह चलता है उसी तरह चलता है। उप स्वास्थ्य केंद्र कितनी है? उप स्वास्थ्य केंद्र मैंने सरकारी नहीं है, बाकी एक दो जगह बचता है, यहाँ नहीं रहती है, ड्यूटी कंटिन्यू रहती है। पंचायत में जो शिक्षा और स्वास्थ्य की क्या व्यवस्था है? शिक्षा चलो ठीक है, स्वास्थ्य के लिए हम नॉर्थ बहुत नजदीक है, किसी भी बात होता है एम्बुलेंस से चाहे किसी से व्यवस्था कर सकते हैं। सभी विद्यालय में सही विषय के शिक्षक हैं? सभी में सभी। और आपकी पंचायत में कोई मुख्य समस्या होगा तो मेरे चैनल के माध्यम से बता सकते हैं। मुख्य समस्या क्या है? समय से पंचायत की पैसा को नहीं मिल रहा है, जैसे काम करा दीजिए उसके 2 महीने तक भी पैसा नहीं मिला। जल निकासी की समस्या है? जल निकासी का है तो जल को सफाई कराया गया। जो समस्या है इसको किस प्रकार आगे बढ़ाएंगे? इसको तो हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि काम नहीं वो अच्छा। इस चैनल के माध्यम से आपने जनताओं को क्या कहना चाहेंगे? जनता को काम तो सभी को मिलकर सहयोग करें, पंचायत के विकास में सभी लोग मिलजुल कर सहयोग करें, विकास को रोशन करें। पीडीएस दुकानों की क्या स्थिति है? पीडीएस दुकानों के लिए कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ मेरे यहाँ पीडीएस दुकान 300 है, वहाँ जिसको जहाँ मन करता है अपना उठा लगा कर आना देता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं। एक यूनिट पर कितना राशन मिलता है? एक यूनिट पर 5 KG है तो कृषक उससे ज़्यादा छोड़ देता है, उसका डीलर लोग के भी नहीं उठाए, हम लोगों के भी नहीं, नियम है वही सरकार। आवास योजना का लाभ कितने जनताओं को मिल चुकी है? अभी तो हमारे रीजिंग में ऑप्शन 30-35 को मिला है, अभी उसके बाद बहुत मिला है। क्या जिनको मिला है इस योजना का लाभ उस लायक है? मिला है उसी को मिला है, लायक है उसी को मिला, जो नायक ने उसको नहीं मिला। जनताओं की कहना है कि जिसको इस योजना का लाभ मिला चाहिए उसको नहीं मिल रहा है, जिसको नहीं मिला उसको दिया जा रहा है, उसको कहने सुने ना, उसके कहने के लिए तो खुला है, कोई भी कुछ कर सकता है, जिसके लायक नहीं है उसको कैसे मिलेगा, इसका लाइक तो वही तो मिलेगा। धन्यवाद, देखते रहिए कानूनी जंग न्यूज।